देखिए, इसमें चाहे करने वाला कोई भी हो, मकसद कुछ भी हो, और बहुत ही गंभीरता से इसकी जांच हो रही है, और जांच का परिणाम जो निकलेगा तभी हम कुछ बोल पाएंगे। अब हम लोग किसी का भी कोई हल्के से नहीं लेंगे, और काफ़ी गंभीरता से इसकी जांच चल रहा है, और जांच का परिणाम जो आएगा सबके सामने रहता है। सीएम का तो मामला बहुत पुराना हो गया, और सुधीर जी का भी मामला। देखिए, आप लोग हमसे सहमत होंगे इस बात पर, जब राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, जो मुख्यमंत्री महोदय है और विभिन्न राजनीतिक दलों में और लोगों का जो भी इस टाइप की घटनाएं होती है, इन चीज़ों को जो गोपनीयता उसकी होनी चाहिए उतना गोपनीयता के साथ ही उसकी जांच होगी। इस पर जैसे मैंने पहले बताया था कि जब तक जांच पूरा नहीं होगी और इसके पीछे कौन है उनका सामने नहीं लाएगा, इसमें अंतरिम कोई बात करना ठीक नहीं होगा। सर, क्या लगता है कि अपराधी हाईटेक हो गया है बहुत ज़्यादा? देखिए, अब हाईटेक या लो टेक का नहीं, अपराध अपराध है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ तो अभी नहीं है, पहले से भी कर रहे थे। जो साइबर क्राइम क्या है, किसी को पैसा उड़ा देना, इसका मतलब यह नहीं कि वो एक टेक्निक जानते हैं, और टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा आपको ह्यूमन नेचर पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ। जब तक आप किसी अनजान आदमी से एंगेज नहीं होंगे सोशल मीडिया पर या फ़ोन पर, आपका पैसा जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए ये एक बात तो आप समझ लीजिए, वो कितना भी हाईटेक है, जब तक आपके विवेक कम नहीं होती है या जब तक आपको बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, तो वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तो सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रोज़ मैसेजेस भेजते हैं, आप अपना डिटेल्स किसी को मत बताइए, हम कभी नहीं पूछेंगे आपसे। इसके बाद भी अगर कोई फ़ोन करके बोलेंगे कि आपका ATM ब्लॉक हो जाएगा, अभी तक हमको नहीं बोलने से, इसका मतलब है कि कुछ हद तक इग्नोरेंस है, और कुछ जो है आपको प्राइज़ मिल गया, आपका मोबाइल नंबर को 10 लाख रुपया, तो आपके अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट नंबर दीजिए, फोन का ये अपना पिन बताइए। अरे, आप कुछ खरीद, लॉटरी टिकट खरीद तो अभी कोई बात है, आप कुछ नहीं किया तो 10 लाख रुपया प्राइज़ कैसा मिली? तो इन लोगों से चीज़, तो हमको लगता है अवेयरनेस बढ़ाना है। अवेयरनेस अगर बढ़ जाएगा तो टेक्नोलॉजी से बहुत नुकसान नहीं होगी, और ये सभी जांच जो चल रहा है, जैसा ही कोई परिणाम सामने आएगा तो आपको बता दिया जाएगा।